अकल दाढ़ के साइड इफेक्ट्स या अकल दाढ़ सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस। किसी भी प्रोसीजर को करवाने से पहले दोस्तों हम उस प्रोसीजर के बारे में डिटेल में समझें, वो हम क्यों करा रहे हैं, हम वो प्रोसीजर किस तरह से होता है, उस प्रोसीजर के बाद क्या होता है, उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, अगर वो प्रोसीजर नहीं कराते हैं तो क्या परेशानी हो सकती है, ये सब समझ करके ही हम वो प्रोसीजर के लिए आगे बढ़ें। मैं डॉक्टर अंकित सेरेफिक डेंटल से मैं आपको बताऊंगा कि अकल दाढ़ प्रोसीजर कराने के क्या कॉम्प्लिकेशंस या नुकसान या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। दोस्तों दांत निकालते हुए सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है या आ सकती है वो ये होती है कि वो दांत निकल ही नहीं रहा हो, वो फंसा हुआ है वहाँ, पास वाला दांत जगह नहीं दे रहा, हड्डी पीछे बनी हुई है, उसकी जड़ें मुड़ी हुई है, ये करने में वो दांत टूट रहा है, टूट के निकल रहा है, और वो कई बार तो कुछ डॉक्टर उसको छोड़ ही देते हैं वहीं पर। तो ये पहली समस्या तो ये है कि वो दांत पूरी तरह से निकल ना पाना, जिस वजह से वो दांत को वहीं छोड़ देना पड़ रहा हो। दूसरी समस्या इसके साथ ये हो सकती है कि एक्सेसिव ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना है ना, क्योंकि इसमें एक सर्जिकल प्रोसीजर इन्वॉल्व होता है, तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाना भी एक तरीके का साइड इफेक्ट या कॉम्प्लिकेशन इसमें मैं इसे कहूँगा। तीसरी बात यह है कि वो दांत जब निकालते हैं तो कई बार यहाँ नीचे के जॉ में हमारे एक भारीपन सा छूट जाता है, एक सुन्नपन का एहसास बाद में भी रह जाता है, इसे पैरेस्थीसिया कहते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी नस यहाँ पर सेंसेशन ले जा रही होती है वो इस दांत के बहुत पास होती है, तो ये दांत निकालते हुए उस नस पे जब प्रेशर पड़ता है या वो नस टूट जाती है, कई बार ड्रिल से कट सकती है, कई बार इस कंडीशन में वो वहाँ पर पैरेस्थीसिया या भारीपन भी कुछ महीने पेशेंट को ये सर्जरी के बाद फील हो सकता है। ये ठीक तो हो जाता है बट कुछ दिन थोड़ा इस पे ध्यान जाता है कि ये भारीपन सा यहाँ पे बरकरार है। चौथी बात ये है कि ये निकालते समय पास वाला दांत हिल जाए या पास वाला दांत डैमेज हो जाए, जब हम ड्रिल कर रहे हैं या हम इंस्ट्रूमेंट से प्रेशर लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, दांत बड़ा मजबूत होता है अंदर, उसमें ताकत लगानी पड़ती है निकालने के लिए, तो कई बार पास वाला दांत ना हिल जाए तो ये भी एक तरीके का कॉम्प्लिकेशन है। तो इसे भी करने वाले डेंटिस्ट को ध्यान रखना चाहिए कि पास वाले दांत पे इससे कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। बुरे से बुरी कंडीशन में ये भी हो सकता है फ्रेंड्स कई बार कि एक्सेसिव प्रेशर लगाने से या एक्सेसिव ताकत लगा देने से निकालने में जबड़ा ही फ्रैक्चर हो जाए, जॉ ही फ्रैक्चर हो जाए, ये भी हो सकता है। तो अब आप सोचेंगे कि क्या ये सब कुछ हो सकता है, तो फिर तो ये प्रोसीजर कराएं ही नहीं। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, आप देखो जो कॉम्प्लिकेशंस हैं या जो नुकसान हैं किसी चीज़ के, ये तो दुनिया की हर बात में, हर सर्जरी में, ऐसी कोई सर्जरी नहीं है जिसमें कि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो सकता हो। एवरी प्रोसीजर हैज़ सम कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड विथ इट इफ़ नॉट डन प्रॉपरली। ये इफ नॉट डन प्रॉपरली पे मैं बहुत जोर देकर कहूँगा, अगर हम इस प्रोसीजर को अच्छे से करें, आपके करने वाले डॉक्टर एक्सपीरियंस्ड हों, इन कॉम्प्लिकेशंस का उन्हें बचाव करना आता हो, किस तरीके से नहीं होगा ये पता हो, और इन सब बातों का ध्यान रख के ये किया जाए, तो डेफिनेटली इनमें से एक भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा 100%। इट इज़ जस्ट लाइक कि आप फ्लाइट में उड़ रहे हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं भाई, आपका प्लेन जल सकता है, कहीं क्रैश हो सकता है, उसकी स्पीड खराब हो सकती है, बैलेंस बिगड़ सकता है, सो एंड सो 50 बातें वहाँ पर एसोसिएटेड हैं जो कि हो सकती हैं, होने को तो हो ही सकती हैं ना, आप मानते हैं इस बात को, लेकिन क्या हो जाती हैं? या फिर आप क्या ये मान करके कभी जाएंगे ही नहीं, आप कभी फ्लाइट में नहीं बैठेंगे, ऐसा नहीं होगा ना। हर चीज़ में कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड है, इसलिए मैं आपको ये बात अच्छे से समझाना चाहता हूँ कि ये कॉम्प्लिकेशन तब होते हैं जबकि ये प्रोसीजर अच्छे से नहीं किया जाता है। हर सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन तभी होते हैं, होने को तो कुछ भी हो सकता है वो एक अलग बात है, लेकिन इन बातों से डर के हम हमारा काम ही ना करें ऐसा नहीं। ये कॉम्प्लिकेशंस आपको जानना भर जरूरी है, क्योंकि आपको पता होता है कोई चीज़ के बारे में तो आपको उसके लिए कॉन्फिडेंस रहता है मन में, इसलिए मैंने आपको ये कॉम्प्लिकेशन समझाए हैं। पर ये बिल्कुल अर्थ ना निकाला जाए कि इनसे डर करके प्रोसीजर नहीं कराएंगे। हाँ, आप अपने डेंटिस्ट से अच्छे से चेक करें, उनसे बात करें, आप अपने डॉक्टर का चुनाव, अपने जो भी आपके क्राइटेरिया हैं उस हिसाब से थोड़ा और रिसर्च करके करें, ये आपकी बात जो है वो जस्टिफाइड है, लेकिन डर करके प्रोसीजर ना कराएं ऐसा बिल्कुल भी कहने का मेरा यहाँ पर तात्पर्य नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया कि इस प्रोसीजर के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। और हाँ, एक और बात मैं आपको बताता हूं कि ये सारे कॉम्प्लिकेशंस मैनेजेबल हैं,
ऐसा कुछ नहीं है जो कभी ठीक ही नहीं होगा। आपके पेरिस्थेसिया भी ठीक हो सकता है, ये फ्रैक्चर हो जाए तो वो भी ठीक हो सकता है। आप अगर किसी एमडीएस मैक्सिलोफेशियल से ये प्रोसीजर करा रहे हैं तो जो कि इस चीज़ में स्पेशलाइज्ड होते हैं, तो डेफिनेटली वो उसको जोड़ भी सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो बुरे से बुरा जो इसका कॉम्प्लिकेशन है वो भी मैनेजेबल है, तो ऐसी चिंता की कोई बात नहीं है कि अगर कुछ हो जाएगा तो क्या होगा। एवरीथिंग इज ट्रीटेबल एंड मैनेजेबल, जस्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई अ प्रॉपर डॉक्टर फॉर दिस एंड कॉन्फिडेंटली यू कैन गो अहेड फॉर द प्रोसीजर। Thank you.